यही रात अंतिम, यही रात भारी, आज रत जगा है, आज तमाम पार्टियों के नेता सो नहीं पाएंगे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं आठ का अटैक। अब से करीब 12 घंटे बाद वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। सबकी नजर नतीजे पर टिकी है और इन नतीजों के इंतजार में आज की रात भी लगता है आंखों में ही कटेगी। बस आज की रात और कल का सूरज नेताजी का भाग्य लेकर उदित होगा और ढलते सूरज के साथ प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला हो जाएगा। तो वहीं राजस्थान में पार्टियों का भविष्य भी तय हो जाएगा। लेकिन कल का उजाला देखने के लिए नेताजी जितने उत्साहित हैं, उतनी ही उनकी धड़कनें भी तेज हो रही है, धुकधुकी बढ़ रही है। समझते हैं ना, धुकधुकी, वही धुकधुकी आज हर नेता के दिल में बढ़ रही है। परिणाम जानने के लिए सभी में उत्सुकता बनी हुई है। एग्जिट पोल ने कहीं खुशी तो कहीं गम जैसी स्थिति बना दी है। एग्जिट पोल जिस पार्टी के पक्ष में आए हैं वहां नेताजी फूले नहीं समा रहे, वहीं जिसके खिलाफ में चुनावी रुझान आए वहां नेताजी की नींद उड़ गई है। अब नतीजों के पहले की आखिरी रात काटे नहीं कट रही। कहीं नेताजी उत्साहित हैं, कहीं हैरान हैं, परेशान भी हैं। किसी को हार का डर सता रहा है तो कोई जीत की खुशी में मशगूल है। यानी ये तो तय है कि आज की रात नेताजी को नींद बिल्कुल नहीं आने वाली और पूरी रात आंखों में ही गुजरेगी। चलिए, मेरे सहयोगी शशि मोहन शर्मा और खुशबू हमारे साथ जयपुर से जुड़ गए हैं, लगातार जुड़े हुए हैं। तमाम तस्वीरें, तमाम आंकड़े, तमाम सियासी गणित, गुणा भाग, क्या समीकरण बिठाए जा रहे हैं, आप तक पहुंचा रहे हैं। मेरे साथ वाली खिड़की में आपको मेरे दोनों सहयोगी नजर आ रहे हैं। शशि, आपके पास मैं आ रहा हूं। यही रात अंतिम, यही रात भारी, रत जगा होने वाला है आज, तय हो गया है। सुमित, दरअसल एक फिल्मी गाना है, साकिया आज मुझे नींद नहीं आएगी, सुना है तेरी महफिल में रत जगा है। और कमोबेश ऐसी ही हालत प्रदेश के कई नेताओं की है, कई सीटों पर विधायकों की, कई सीटों पर प्रत्याशियों की चिंता है और सबसे बड़ी चिंता कुछ खास बिल्डिंगों में हो रही है। 51 सरदार पटेल मार्ग जहां बीजेपी का दफ्तर है, 13 सिविल लाइंस जहां वसुंधरा राजे का घर है वो मौजूद है, 8 सिविल लाइंस जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का घर है और 7 में पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा का घर, इसके साथ में सीपी जोशी का गांधीनगर स्थित आवास और बीजेपी आवास में आप देखिए प्रदेश संगठन महामंत्री भी सारी कैलकुलेशन कर रहे होंगे। लेकिन कांग्रेस के वॉर रूम में भी गतिविधियां हलचल शुरू हो गई हैं। अब से तकरीबन एक घंटे बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वीडियो कॉन्फ्रेंस से रूबरू होंगे। पार्टी के सभी प्रत्याशियों को जुड़ने के लिए कहा गया है और सबको एक ही मैसेज दिया जाएगा, कल जीत कर आइए और सर्टिफिकेट लेकर सीधे जयपुर के लिए रवानगी पकड़िए। क्योंकि उगते सूरज को सलाम राजनीति में भी होता है और जो जीतेगा वो सिकंदर बनकर जयपुर आएगा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पास आएगा। हालांकि इससे पहले के जो दो चुनाव रहे, मुख्यमंत्री रहते जो अशोक गहलोत ने लड़े, उनमें नतीजे कुछ अप्रिय आए कांग्रेस के नजरिए से, लेकिन बीजेपी को खुश करने वाले वो नतीजे थे। दोनों बार नेतृत्व तब वसुंधरा राजे के पास था, एक बार परिवर्तन यात्रा के रूप में उन्होंने 2003 में यात्रा निकाली, फिर उन्होंने स्वराज संकल्प के रूप में यात्रा निकाली 2013 में। लेकिन इस बार बीजेपी का कैंपेन कुछ अलग था, चार दिशाओं से अलग अलग यात्रा निकली। हालांकि केंद्र के नेता, बीजेपी के बड़े चेहरे, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे चारों यात्राओं में मौजूद रही, लेकिन एग्रेशन कितना था, पार्टी क्या सोचकर जा रही थी, क्या कांग्रेस ने जो गारंटियां दी उनका तोड़ सही तरीके से पार्टी कर पाई, क्या जो साढ़े चार साल विपक्ष में रहते काम किया उसके आधार पर पार्टी चुनाव में गई, क्या अपने घोषणा पत्र के आधार पर गई, क्या अपने नेतृत्व के आधार पर गई, क्या पीएम मोदी के काम के आधार पर गई, क्या कमल का फूल लेकर के
पार्टी चुनावी मैदान में गई, और दूसरी तरफ कांग्रेस के पास भी यही सवाल उठते हैं, क्या कांग्रेस एकजुट थी? जो एकजुटता की तस्वीर दिखाने की कांग्रेस ने कोशिश की, सचिन पायलट और अशोक गहलोत की दूरियां मिटाने की कोशिश की, आखिरी दिन आप देखिए चुनाव से ठीक एक दिन पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ट्विटर हैंडल से सचिन पायलट का वो बयान ट्वीट हुआ जिसमें उन्होंने पार्टी के सभी प्रत्याशियों को जिताने की अपील की थी, और आखिरी दिन ही सचिन पायलट का ट्वीट हुआ इसको लेकर चर्चा हुई, मुख्यमंत्री से सवाल हुआ, उन्होंने कहा कि सारी चीज़ें सामान्य हैं, सब एकजुट हैं। जब सचिन पायलट से ये सवाल हमने किया कि बार बार एकजुटता की बात क्यों कहनी पड़ती है, क्या आप लोगों को लगता है कि एकजुटता का मैसेज नहीं जा रहा है? अगर आप एकजुट हैं तो बताने की जताने की जरूरत क्यों पड़ती है बार बार? सुमित, दरअसल राजनीति में इसलिए पड़ती है इसकी जरूरत क्योंकि नेताओं का कई बार मानना होता है कि एकजुटता की फिक्र करो और उस फिक्र का जिक्र करो, जितना ज्यादा जिक्र करोगे उतनी ज्यादा एकजुटता की बात लोगों तक पहुंचेगी, और पार्टी अगर एकजुटता के साथ में चुनाव लड़ी है तो वो तस्वीर भी हो सकती है जो कुछ एग्जिट पोल दिखा रहे हैं। दरअसल 8-9 एग्जिट पोल आए हैं, उनमें से 2/3 एग्जिट पोल ये दिखा रहे हैं कि बीजेपी के पक्ष में सीटें आती दिखेंगी, नतीजे आते दिखेंगे, लेकिन कुछ एग्जिट पोल कांग्रेस को भी बढ़त दिखाते नजर आए हैं, और इसके साथ में एग्जिट पोल कितने एग्जैक्ट होंगे ये जानने के लिए ज़्यादा समय नहीं बचा है, 12 घंटे से भी कम वक्त बचा है जब पोस्टल बैलेट खुल जाएंगे, और तकरीबन 12.25 घंटे बाद, यानी जैसे ही सुबह 8:30 बजेंगे ईवीएम की बीप सुनाई देने लगेगी, ईवीएम मशीन से वोटों की गिनती और जल्दी होगी, और तकरीबन दोपहर 12 बजते तस्वीर उम्मीद है कि साफ हो जाएगी। हालांकि जिस हिसाब से नज़दीकी मुकाबला बता रहे हैं, हो सकता है थोड़ा ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ जाए, 2 बजे तक 3 बजे तक इंतज़ार करना पड़ जाए, लेकिन कल का इंतज़ार आज की रात आँखों में ही कटने वाली है। कल के इंतज़ार के लिए, कल के नतीजों के लिए हमारे साथ में यहाँ से सहयोगी दिनेश जुड़ेंगे, आशीष जुड़ेंगे, और दामोदर और खुशबू भी जुड़ेंगे, और वो बताएंगे कि किस तरह प्रदेश की कुछ सीटें जो है वहाँ पर स्थिति रोमांचक बन रही है। जी सुमित, बिल्कुल हमारे साथ, देखिए मैं आप लोगों के पास आ रहा हूँ, हमारे साथ गेस्ट पैनल भी जुड़ गया है, वरिष्ठ पत्रकार श्याम सुंदर शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। श्याम सुंदर जी स्वागत है सर आपका। जी राजस्थान पर निमिषा गौड जी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गई है। निमिषा गौड़ जी स्वागत है मैम आपका भी। जी राजस्थान पर अजय कछावा जी पीसीसी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्वागत है अजय जी आपका भी। और ये तमाम पैनल मेरा आपको टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहा है, एक एक करके सबसे पहले मैं आप तीनों से, मैं फिर आपके पास आऊंगा शशि और खुशबू, मैं फिर आपके पास आऊंगा, एक आप बने रहिएगा मेरे साथ, एक एक करके आप तीनों से आज की रात के बारे में मैं जानना चाहूंगा सर। कल उगता सूरज क्या मैसेज लेकर आने वाला है? ओपनिंग कमेंट डॉक्टर निमिषा गौड़। कल का खुशहाल सवेरा होगा, राजस्थान से कुशासन का अंत होगा, भ्रष्टाचार मिटेगा, तुष्टीकरण समाप्त होगा, और 4 जातियों का उद्धार होगा, गरीब, युवा, महिला और किसान, समृद्ध राजस्थान की ओर राजस्थान जाएगा, और एक ऐसा राजस्थान का नव निर्माण होगा जो भारत को आगे बढ़ाने की ओर अपना हाथ थामेगा। अजय जी, कॉन्फिडेंस या ओवर कॉन्फिडेंस? सुमित जी, आज जो आपका प्रोग्राम है राती जगा, आपने जो प्रोग्राम रखा है राती जगा, ये एक सही बात है कि परीक्षा के बाद परिणाम आने की जो रात्रि होती है, उस समय जिसने परीक्षा दी है तैयारी के साथ, उसके लिए इम्तिहान का रिजल्ट आना शेष है, उसका अव्वल आना तय है। नमीशा जी जो बात कर रही थी वो सही कह रही थी, वो केंद्र की नीतियों को बता रही थी और राजस्थान की कांग्रेस सरकार को विजय होना बता रही थी, कि राजस्थान की वो सरकार जिसने राजस्थान में काम किया है, राजस्थान की जनता को खुशहाल किया है, महिला को सुरक्षा देने की बात की है, महिला को जो महंगाई से राहत देने की बात की है, युवा को जो शिक्षा देने की बात की है, युवा को जो रोजगार देने की बात कही है, उस सरकार का राज आने वाला है। हमने हमारे मुद्दे हमारे काम के आधार पे हमने जनता के सामने अपना रिपोर्ट कार्ड रखा है। एक और हम हैं और एक और भारतीय जनता पार्टी वो है जो 4.5 साल पर नदारद रही, जनता की समस्याओं की और जनता की सूझबूझ जिसने ली
और 4.5 महीने के पर आके राजस्थान को बदनाम करने के लिए, राजस्थान को अहम, राजस्थान की जनता को इस स्तर पे ले जाने की बात की है, उसका परिणाम कल की सुबह 11 बजे बाद इनके सामने आने लग जाएगा। राजस्थान में कांग्रेस स्पष्ट बहुमत से आ रही है, क्योंकि राजस्थान की जनता ने काम पे मोहर लगाने के लिए ठान लिया है। ठीक है श्याम सुंदर शर्मा जी, कहावत तो हम सुनते आए हैं ऊंट किस करवट बैठेगा, लेकिन सवाल मेरा आपसे यह है सर, राजस्थान का ऊंट किस करवट बैठेगा? ये राजस्थान का ऊंट है सर, सोच समझ कर करवट बदलता है अपनी। देखिए सुमित जी, निश्चित रूप से आज कत्ल की रात है। हाँ। आज के बाद हर सवेरा सबके लिए अच्छा भी होगा, कुछ का अंधेरा भी हो जाएगा। जिस प्रकार से आपने कहा कि राजस्थान में 199 सीटों पर चुनाव हो रहा है और कांग्रेस 198 पर लड़ रही है और एक समझौते में दे करके वो राष्ट्रीय लोकदल के साथ भी चुनाव लड़ रही है। चुनाव में 1863 उम्मीदवार हैं, 80 राजनीतिक पार्टी चुनाव मैदान में है। इस प्रकार कहा जाए तो इस बार देखें, मैं मान के चलता हूँ कि 90 से 95 सीटों पर तो कांग्रेस की स्थिति, बीजेपी की स्थिति मजबूत दिख रही है, और यदि बात करें 65 से 70 की बात करें तो कांग्रेस की स्थिति मजबूत लग रही है, लेकिन 21 सीटें ऐसी है जहां पर टक्कर है, स्थिति भयानक हो सकती है, कहां किसके पास चली जाए पता नहीं पड़े। 10 सीटों पर कांग्रेस यहाँ आगे रहेगी तो बीजेपी और आगे रहेगी, और ये बात भी सही जाए कि निर्दलियों का बाहर रहेगी इस बार, ऐसे बात नहीं निर्दलीय जीत के नहीं आएंगे, कांग्रेस के और बाकी के निर्दलीय जीत के आने वाले हैं। अगर आप भारत ट्राइबल पार्टी की बात करें तो 3 सीटें ले जाने वाली, माकपा की बात करें तो 3 सीटें ले जाने की स्थिति में बन रही है, और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की बात करें तो 4 सीटें ले जाने की स्थिति में बन पा रहे हैं, जिससे ज्यादा नहीं लगी। माकपा भी 2 पे जीतेगी, ये बात सही है। जिस प्रकार से आपने देखा कि बीएसपी गायब नहीं रहेगी, वो भी 3 सीटें जीतने की स्थिति में आएगी, तो इसका मतलब गुलदस्ता अलग अलग पार्टियों का अलग अलग लोग जीत करके आने वाले हैं। और कल से इस प्रकार से सही बात है कि जिस यहाँ राजस्थान के कुछ सरकारी बंगले निश्चित तौर पर इस स्थितियों को कायम करने के लिए ललायित हैं, समीक्षा बैठकें सब जगह चल रही है, और कहा जा रहा है कि कल 2 बजे तक जो स्थिति क्लियर हो जाएगी, 5 बजे तक आओ, हम सब एक साथ लेकर के, किसी को गुजरात जाना पड़ेगा, किसी को कर्नाटक जाना पड़ेगा या किसी को हरियाणा जाना पड़ेगा, ये स्थितियाँ अपने अपने तौर तरीके से लोग ले जाएंगे। अब सत्ता तो मुझे लगती है कि स्पष्ट आने वाली है, ऐसा लग नहीं रहा है कि कांग्रेस को बहुत ज्यादा मंथन करना पड़ रहा है, जिस प्रकार के मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, और मैं तो कह रहा हूँ देवी देवताओं का धोखने का काम शुरू हो गया है। वसुंधरा जी आज सुबह गई थी मेहंदीपुर बालाजी, अभी अरुण सिंह गए हैं, वो भी कह रहे हैं कि बालाजी हमको बेड़ा पार लगाओ। तो निश्चित रूप से जिस प्रकार से माहौल बीजेपी ने हिंदू मुस्लिम का करके रखा, वो कितना कारगर हो पाएगा सामने आएगा, लेकिन सांसदों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। कम से कम भी 4 सांसद चुनाव हारेंगे, 3 सांसद चुनाव जीत सकते हैं, तो राजस्थान का सिनेरियो बदलता हुआ है। निश्चित रूप से कल इसकी सुबह अच्छी होगी और शाम जाते जाते कौन इसे राजस्थान का सत्ता का भागीदार बन जाएगा, यह फैसला करना है। मरुधरा के वोटरों ने अपना भाग्य ईवीएम में बंद कर दिया है। सुबह तो कांग्रेस को सुखद सूचना मिलेगी, क्योंकि जो बैलेट पेपर आएंगे, जिस प्रकार से मतपत्र डाक से आएंगे, उसमें कांग्रेस आगे दिखेगी, लेकिन बाद में कांग्रेस बन पाएगी या आगे रह पाएगी, ये मुझे संचय खड़ा होता है। ठीक है सर, बात बड़ी कह दी है आपने कि कांग्रेस को 60 से 65 और बीजेपी 90 से 95 है। देखिए मेरे सहयोगी आपको नजर आ रहे हैं, खुशबू मेरी सहयोगी, परसों इन्होंने पूरा एग्जिट पोल तमाम दर्शकों तक एक एक आंकड़ा पहुंचाया था, एग्जिट पोल के नतीजे पहुंचाए थे, और अब जो एग्जिट पोल राजस्थान से हमने तमाम दर्शकों तक पहुंचाया, उसी राजस्थान की धरा पर, मरुधरा पर खुशबू हैं। खुशबू, एग्जिट पोल के नतीजे जो श्याम सुंदर जी कह रहे हैं, कांग्रेस की सीटें बता दी श्याम सुंदर जी ने, बीजेपी की बता दी 90 से 95 बीजेपी, कांग्रेस 60 से 65, एग्जिट पोल के नतीजों ने क्या कुछ कहा था, और राजस्थान की जनता से, आवाम से आपने बात की, क्या लग रहा है आपको खुशबू? बिल्कुल, जाहिर तौर पर सुमित देखा जाए तो किस तरह से जो है कब जो है बदल जाए मौसम कह नहीं सकते, क्योंकि राजस्थान में जिस तरह का इतिहास रहा है, एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, लेकिन आप जिस तरह से बात कर रहे हैं कि आंकड़ों की बात, तो जब हम अपना महा एग्जिट पोल दिखा रहे थे तो हालांकि 6 ऐसे एग्जिट पोल थे जो बीजेपी के पक्ष में जा रहे थे, लेकिन टुडे चाणक्य की अगर हम बात करते हैं तो ये दिखा रहा था, आप देख रहे थे कांग्रेस को दिखा रहा था, जिसपे लोग विश्वास भी करते हैं और इसके कहीं ना कहीं सटीक भी रहते हैं। ऐसे में जो है
अब ये खैर देखने वाली बात होगी। दूसरी तरफ आप देखिए कि हम चाहे बीजेपी के प्रवक्ता चाहे कांग्रेस के प्रवक्ता, जब आप उनसे बातचीत कर रहे हैं तो वो एक ही बात कह रहे हैं कि हम तो पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है, बहुमत के साथ आ रहे हैं। लेकिन जाहिर तौर पर अगर बात की जाए कि एग्जिट पोल जो है बहुमत तो किसी को भी नहीं दिखा रहे थे, अब बहुमत की अगर बात हो रही है ये तो ओवर कॉन्फिडेंस ही है, क्योंकि देखिए जिस तरह से एग्जिट पोल है वो कहीं ना कहीं आसपास ही होते हैं। खैर एग्जिट पोल यानी कि फाइनल रिजल्ट तो कल आएगा, और आज की रात वाकई में कयामत की रात रहने वाली रही है। और आज जो है भले ही तमाम दावे कर ले, वादे कर ले कि नहीं हम तो जीत रहे हैं, लेकिन नींद तो नहीं आने वाली है, नींद थोड़ी हुई है। लेकिन अब इधर देखिए कि हम बात करते हैं, देखिए कि हम कई जो ऐसी कॉन्टेस्ट वाली सीट है जहां मेरे तमाम सहयोगी यहां पर मौजूद हैं, वो बातचीत करना चाहते हैं कि वो जो कॉन्टेस्ट वाली सीट है उस पर अपनी जानकारी देंगे। आशीष मेरे साथ यहां पर मौजूद है। आशीष अगर संगरिया की बात करें तो यहां पर आप मुकाबला कैसे देख रहे हैं? देखिए राजस्थान में तकरीबन 40 सीटें ऐसी हैं जहां पर पूरी तरीके से कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है, और संवरिया की मैं बात करूं तो वहां से गुरदुप शाहपीणी और गुलाब सिवर के बीच में मुकाबला देखा जा रहा है। हालांकि कांग्रेस के अभिमन्यु पुनिया जो कि एनएसयूआई के पूर्व अध्यक्ष हैं वो भी मैदान में है, लेकिन सीधे तौर पर यहाँ पर बात की जाए तो निर्दलीय यहाँ पर बढ़त बनाते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर सीधे तौर पर देखें तो निर्दलीय जो है वो यहाँ पर कांटे की टक्कर बीजेपी के गुरदीप को दिखाते यहाँ पर दे रहा है जी। यानी कि जाहिर तौर पर जो हम बातचीत कर रहे थे कि निर्दलीय जो है किंग मेकर हो सकते हैं, तो जब आप बातचीत करिएगा जो तमाम बीजेपी और कांग्रेस के प्रवक्ता मौजूद है तो उनसे इस बारे में जरूर बातचीत करिएगा। ये हाल क्या ज्यादातर सीटों पर है या इक्का दुक्का सीटों पर इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है? बिल्कुल 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 सुमित, मैं वहीं पर आ रही थी। एक एक सीट के बारे में हम बातचीत करने वाले हैं। अब दिनेश मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं जो कि बताएंगे कि हनुमानगढ़ जो सीट है वहां पर कैसी स्थिति देखने को मिल रही है। बिल्कुल खुशबू, देखिए हनुमानगढ़ एक ऐसी सीट है जहां तक कि प्रदेश की अगर देखा जाए तो तकरीबन 2 दर्जन सीटें ऐसी है जो कि ट्राइंगल में फंसी है, और वही ट्राइंगल हनुमानगढ़ सीट पे बनता नजर आ रहा है जहां से भाजपा ने अमित चौधरी को मैदान में उतारा। अमित चौधरी पूर्व मंत्री राम प्रताप के पुत्र हैं, तो वहीं कांग्रेस ने पूर्व मंत्री पूर्व विधायक विनोद कुमार पर दाव खेला, लेकिन ये ट्राइंगल में फंस गई सीट क्योंकि यहां से कांग्रेस से टिकट की दावेदारी कर रहे थे वर्तमान नगर अध्यक्ष गणेश राजबंसल नगर पालिका के अध्यक्ष है, और वो कांग्रेस से टिकट की दावेदारी कर रहे थे, कांग्रेस से टिकट मांग रहे थे। अब ऐसे में जब तीसरा प्रत्याशी मैदान में आ गया निर्दलीय के रूप में तो ये सीट भी ट्राइंगल में फंस गई, और कहीं ना कहीं ट्राइंगल का नुकसान जो है समर्थित पार्टी का जो पार्टी से दावेदारी कर रहा होता है वो अपनी पार्टी के लोगों को कहीं ना कहीं बड़ा नुकसान करता है। यानी कि इस सीट पर भी त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। एक और सीट के बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद आप मेहमानों के पास जाइएगा। अगर बात करें देखिए कि बीकानेर पश्चिम की, तो बीकानेर पश्चिम में आप कैसी स्थिति देख रहे हैं? क्या यहां पर अगर बात की जाए बीडी कल्ला जो है एक मजबूत कैंडिडेट के रूप में देखे जाते हैं, लेकिन इस बार उनकी स्थिति कैसी है? देखिए क्योंकि वर्तमान सरकार में क्योंकि बी डी कल्ला मंत्री हैं, बड़ा चेहरा है, और जो बीकानेर से जिस तरीके से जो जेठानंद व्यास हैं वो संख्या भी माने जा रहे हैं, तो ऐसे में दोनों की टक्कर मतलब कह सकते हैं बड़ी रोचक देखी जा रही है, बड़ी टक्कर है, और इसमें ये तय नहीं किया जा रहा कि अभी कौन आगे पीछे। लेकिन जो शुरुआती दौर में है वो बी डी कल्ला बढ़त बनाए हुए थे, और जैसे अब लास्ट जो टाइम में के अंतिम रूप में जो जेठानंद व्यास है वो आगे बढ़त बनाते हुए नज़र आ रहे हैं, तो ऐसे में कह सकते हैं कि बीकानेर का जो चुनावी जो इस बार जो टक्कर है वो बड़ी रोचक देखी जा रही है, क्योंकि पहले इस बार यहाँ टक्कर रोचक देखी जाएगी। ठीक है, मैं आपसे जानना चाहती हूँ शशि, अगर देखें तो सादुलपुर और तारानगर की स्थिति आप कैसे देख रहे हैं? देखिए खुशबू, सादुलपुर और तारानगर दोनों ही सीट बहुत रोचक मुकाबले में है। तारानगर राजेंद्र राठौड़ जहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, एक बार पहले यहाँ से विधायक रह चुके हैं, और उनके सामने नरेंद्र बुढ़ानिया है जो सिटिंग MLA हैं, लेकिन दोनों इसको क्लोज कंटेस्ट मान रहे हैं। हमने राजेंद्र राठौड़ से बातचीत की तो कैमरे पर भी उन्होंने माना कि मुकाबला आसान नहीं है, क्लोज कंटेस्ट है, और उन्होंने इसको लेकर के निर्वाचन विभाग में भी कहा है कि तारानगर के स्थानीय कर्मचारियों को मतगणना से दूर रखा जाए, दूसरे कर्मचारी लगाए जाए। साथ में सादुलपुर में भी बसपा के मनोज न्यांगली त्रिकोणीय मुकाबला बना रहे हैं। यहाँ से स्थानीय लोगों का मानना है कि कृष्णा पूनिया जो कांग्रेस की प्रत्याशी हैं, विधायक हैं मौजूदा, वो तीसरे नंबर पर जा सकती है। सुमित्रा पूनिया है, नंदलाल पूनिया की पत्नी, वो मुकाबले में है। लेकिन सुमित यहाँ पर एक बहुत रोचक चीज़ है जिस पर श्याम जी बहुत तफसील से प्रकाश डाल पाएंगे। राजस्थान विधानसभा के साथ एक अनायास एक दुर्योग बना है कि 200 विधायक पूरे एक साथ नहीं बैठते। इस बार 199 विधानसभा सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, और संयोग ये कि जयपुर जिले की बात करें तो यहाँ की 19 सीटों पर भी 199 प्रत्याशी हैं, कुल सभी 19 सीटों के प्रत्याशियों की बात कर ले तो।
ऐसे में क्या जो एग्जिट पोल दिखा रहे हैं कुछ जगहों पर रोचक मुकाबला हो सकता है, नतीजे क्या 99 के फेर में कोई पार्टी फंस सकती है कि किसी को भी 100 का बहुमत नहीं मिले? श्याम सुंदर सर, देखिए शशि जी कह रहे थे, मुझे तो लगता नहीं इस बार स्पष्ट बहुमत तो देंगे और बहुत ज्यादा बहुमत नहीं मिलेगा, जो बहुत सपने देख रहे, कोई 136 के देख रहा है, कोई कितने का देख रहा है, लेकिन मुझे लगता है 105, 110, 115 के बीच में बहुमत मिलेगा मेरे को, जिस तरह से नतीजे दिख रहे हैं, क्योंकि बागी हैं लेकिन बागी ज़्यादा नहीं है इस बार जिस तरह से देखा जा रहा है। तो कैलाश मेघवाल की बात कर लें शाहपुरा से, यदि आप बात करेंगे तो सही बात है जिस तरह से आपने कहा कि जो दो तीन जगह आप बता रहे थे, हाँ शार्दुलपुर में जो मनीष न्यागली जो है उनकी स्थिति ठीक है, जो कि बीएसपी से चुनाव लड़ रहे हैं, ये बात ठीक है। केतड़ी में बात करी जाए तो मनोज घुमरिया हैं, वो भी बीएसपी के, उनकी भी स्थिति अच्छी बताई जाती है। धौलपुर में नितेश शर्मा है, बीएसपी से चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी स्थिति अच्छी बताई जा रही है। ये बात भी सही कि अगर लूणकर्ण सर की बात करें, बाड़ी से जसवंत गुर्जर भी ठीक है, बाड़ी से जसवंत गुर्जर की अच्छी स्थिति है, चुनाव जीत सकते हैं। इस बार गिरिराज बलंगा चुनाव जीत नहीं पाएंगे, मेरे को लग रहा है वो फंस गए चुनाव में, जिस प्रकार की स्थिति बन रही है। तो बीएसपी ने जिस तरह से अपने उम्मीदवारों को उतार के, खेतड़ी की में भी देखिए बीएसपी की स्थिति, जो 3 या 4 बीएसपी जीत सकती है, जिसे बार बार जो कहा जा रहा था, उनके प्रदेश अध्यक्ष कह रहे थे इस बार हम किसी के चक्कर में फंसने वाले नहीं है, हमारे पास कभी तो ले जाता है, हाथ ले जाता है पूरे हाथी को, बीजेपी भी कभी कभी ले गई थी पहले बीएसपी की, बीएसपी तो इधर उधर जाती रहती, लेकिन क्या हम शर्त के आधार पर सत्ताधारी पार्टी में शामिल होना चाहेंगे जो भी पार्टी आएगी। अगर देखिए मैं देख रहा था शार्दुल शहर जो ओम बिश्नोई है, वो चुनाव जीतेंगे, कांग्रेस के बागी हैं। अगर डूंगरपुर की बात करें, गिरधारी लाल जो CPM के हैं, वो चुनाव अच्छी स्थिति में लड़ रहे हैं। प्रेमाराम धोस से चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी उनकी भी अच्छी स्थिति कही जा सकती है। भादरा से बलराम पूनिया आएंगे, सोपर सिंह आएंगे, मुझे नहीं पता, लेकिन वहाँ की स्थिति भी कही जा सकती है। शाहपुरा की स्थिति देखिएगा इस बार जी, भादरा की स्थिति जो बलवान पूनिया की बात आप कह रहे हैं, संजीव बेनीवाल की दो तस्वीरें नॉमिनेशन की और बीच में वसुंधरा राजे जब एक सभा करने गई थी तो बड़ी भीड़ वाली तस्वीरें आई, हालांकि कहा जा रहा है कि बलवान पूनिया ने उसके बाद में एक और बड़ा कार्यक्रम किया जिसमें उस भीड़ के पैमाने से बड़ी लकीर खींची, तो मुकाबला रोचक है। दूसरी बात, रायसिंह नगर में भी माकपा मजबूत दिख रही है शौकत राम, ठीक है मैं आ रहा हूँ, मैं इस सवाल का जवाब आप दीजिएगा श्याम सुंदर जी, निमिषा गौर जी, निर्दलियों ने पैठ तो बना ली है और ये चिंता की लकीरें आपके चेहरे पर, आपके माथे पर तो होंगी मैम, इसका समाधान क्या सोच के रखा है? देखिए, आप राजस्थान के महापर्व में कुछ नवाचार भी हुए हैं, पहली बार सर्वाधिक मतदान स्वतंत्रता के बाद से लेकर के अब तक देखा जाए, नवाचार ये हुआ, युवा और महिलाओं ने बढ़ चढ़ करके मतदान किया, नव युवकों ने, युवतियों ने बढ़ चढ़ के किया और महिलाओं का परसेंटेज भी सर्वाधिक देखा गया, 80 सीटों पर तो 80% से ज्यादा मतदान हुआ और कुछ पर 90% से हुआ है, तो ऐसा प्रतीत होता है। कांग्रेस कह रही है कि रोटी पलटने की जो आदत को बढ़त मिलने थी प्रदेश की जनता की, वो आदत अब छूट गई है। मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए, उसका सबसे बड़ा आधार ये है, देखिए सबसे बड़ा आधार ये है कि जन आक्रोश यात्रा जब हमारी निकली थी तो लाखों शिकायतें आई थी, नहीं सहेगा राजस्थान अभियान में बढ़ चढ़ के राजस्थान ने हिस्सा लिया था और उसके बाद परिवर्तन यात्रा का स्वागत करता हर विधानसभा क्षेत्र में चारों दिशाओं से जब राजस्थान की परिवर्तन यात्रा आई थी तो लाखों लाखों लोगों ने उसका स्वागत किया था। ये जो संख्या है वो संख्या सबसे बड़ा आधार है राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की बढ़त का, स्पष्ट बहुमत का। और इधर कांग्रेस की बात की जाए तो स्टार प्रचारक को सभा नहीं कर पाए, रैलियां नहीं कर पाए, जैसे मैं नंबर वन बात करूं तो मल्लिकार्जुन खड़गे, सेकंड नंबर पे सोनिया गांधी जी, बताइए कितनी उन्होंने रैलियां सभा कर ली राजस्थान के अंदर, आबो हवा बदलने आ गई लेकिन कोई रैली नहीं कर पाई, और अजमेर में कुर्सियां खाली रह गई, कई जगह जयपुर के अंदर जब राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के आए तो कुर्सियां खाली रह गई, तो कांग्रेस भी कहते हैं कि जब मोदी जी आते हैं तभी कुर्सियां भरी नजर आती हैं, संगठन में बिछड़ चुकी है तो आपके यहाँ भी खाली रहती है, देखिए स्वयं संगठन में बिछड़ चुकी है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जो योजनाएं हैं कांग्रेस ने पूरे 5 साल नहीं, एक बार मेरी बात पूरी जाने दीजिए, कांग्रेस ने 5 साल नहीं 4 साल शासन किया है, साल भर तो आशा नहीं बन रही जी,
कांग्रेस ये कह रही है कि कुर्सियां तो आपके यहाँ भी खाली रहती हैं, बड़े नेताओं को आपको इसलिए बुलाना पड़ा राजस्थान में, योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तमाम चेहरों को इसलिए बुलाना पड़ा ताकि कुर्सियां थोड़ी भरी नजर आए। दूसरी बात, कांग्रेस से कहती है रोटी पलटने की जो आदत थी प्रदेश की सूबे की जनता की, अशोक गहलोत की सरकार ने वो आदत बदलवा दी है, अब उनकी योजनाओं ने वो आदत छुड़वा दी है उनकी। आप आशियाने में कैद रहे, 90 विधायकों के इस्तीफे अपनी जेब में रख के घूमते, आपने सरकार चलाई है, कैसे आदत बदलेगी? महीने भर पहले कुछ योजनाओं का झुंझुना लेकर के जरूर घूमे आप, लेकिन राजस्थान की जनता स्वाभिमानी जनता है, अपना निर्णय कर चुकी है। आपको सिलेंडर 500 रुपए की याद आए, लेकिन आपने गैस तो उज्ज्वला योजना के लोगों ने दिखाई थी वो तस्वीरें, राजस्थान वासियों को वीडियो वायरल भी हुए थे, याद होगा। ठीक है खुश हुए, उज्ज्वला गैस कनेक्शन थे। बोले बोले निमिषा जी, तो इसीलिए राजस्थान, देखिए राजस्थान के अंदर बदलाव है, राज बदल रहा है। और मैं फिर कहूंगी, ये स्वाभिमानी जनता है, अपना निर्णय ले चुकी है, और ये बदलाव जो है, इतने वोटिंग परसेंटेज है, ये भाजपा को बढ़त देता हुआ है, क्योंकि विश्वास है। आज भारत की जीडीपी 7% को लांगी है, आज भारत के अंदर 1,00,000 करोड़ से ज्यादा का निवेश हो रहा है, तो ये विश्वास है। ठीक है, आपकी इन तमाम बातों का तमाम सवालों का जवाब मैं अजय कछावा जी से लूंगा। अजय जी आ रहा हूँ, मैं मजबूरी है कमर्शियल ब्रेक की, एक ब्रेक ले रहा हूँ, मैं छोटा सा ब्रेक लूंगा, जल्द वापस लौट रहे हैं, वक्त एक ब्रेक का है।